हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है 7:00 PM, जिसमें हम एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन करते हैं जेट, ICAR और BHU के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, चुकंदर की फसल का कुल कौन सा है? चुकंदर की फसल का कुल कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेमिनी, लेग्यूमिनेसी, चिनोपोडियसी, लिलिएसी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा चिनोपोडियसी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चुकंदर की फसल का कुल कौन सा है? तो चिनोपोडियसी है उस कुल का, चुकंदर की फसल का कुल आई है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी है एंट्राजीन 24D, थायोयूरोन, पेराक्वाट। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 24D। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी 24D है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार निम्न में से कौन सा है? मोथा, प्याजी, कर्षण नील, गेहूसा। थ्री नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गेहूसा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चावल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? चावल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल, स्पाइकलेट, ईयर, सिलिकुआ। तो चार नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेनिकल। चावल के पुष्प क्रम को पेनिकल बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चावल की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? पूसा बासमती फर्स्ट, कोराज फर्स्ट, टीएन फर्स्ट, जया। तो फाइव नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोराज फर्स्ट, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चावल की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो कोराज फर्स्ट है वो प्रथम संकर किस्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चारे वाली फसलों का सम्राट किसे कहा जाता है? चारे वाली फसलों का सम्राट किसे कहा जाता है? रिज़का, बरसीम, मेथी, कोई नहीं। तो छह नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बरसीम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाएगी? चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति को क्या कहेंगे? सिल्वी कल्चर, सिल्वी पास्चर, स्ट्रिप क्रॉपिंग या फिर एले क्रॉपिंग। तो सात नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिल्वी पास्चर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है, वंडर कैन के नाम से किस गन्ने की किस्म को जानते हैं? वंडर कैन के नाम से किस गन्ने की किस्म को जानते हैं? CO 419 एवं CO 740, कोयम्बटूर 687, BO 54, BO 70। तो आठ नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा CO 419 एवं CO 740। वंडर कैन के नाम से किस गन्ने की किस्म को जानते हैं? CO 419 और CO 740। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पौधे कहलाते हैं जो पुष्पन के लिए प्रकाश की लंबाई की प्रति अनुक्रिया नहीं दिखाते। वे पौधे कहलाते हैं जो पुष्पन के लिए प्रकाश की लंबाई की प्रति अनु
क्रिया नहीं दिखाते हैं। अल्प प्रकाश प्रेक्षी, दीर्घ प्रकाश प्रेक्षी, दिवस निष्प्रभावी, मध्यवर्ती प्रतिदीप्ति कालिक। तो 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिवस निष्प्रभावी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 22.5%, 17.6%, 15.7%, 14.2%। तो 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10.2%, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में नक्षत्रों की कंडीशंस के अनुसार खेती की विधि को क्या कहा जाता है। वर्तमान में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार खेती की विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है टेरा फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, केमल फार्मिंग, बुशनिंग। तो 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा टेरा फार्मिंग, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, वायु दाब मापने का यंत्र है थर्मोमीटर, बेरोमीटर, बेरोग्राफ, हाइड्रोमीटर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बेरोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वायु दाब का लगातार मापन किया जाता है, वायु दाब का लगातार मापन किया जाता है बेरोग्राफ से, बेरोमीटर से, थर्मोमीटर से या फिर एनीमोमीटर से। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेरोग्राफ से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वायु दाब का लगातार मापन किया जाता है वो बेरोग्राफ से किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वायु दिक सूचक यंत्र की तीर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है ये आपको बताना है। वायु दिक सूचक यंत्र के तीर की लंबाई कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है वायु की गति नापने के उपकरण को क्या कहते हैं। वायु की गति नापने के उपकरण को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है विंड वेन, अल्टीमीटर, बेरोमीटर, एनीमोमीटर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वायु की गति को मापने का यंत्र है वो एनीमोमीटर है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन भी वही है, वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है, विंड वेन, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओप्रोक्सवी। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एनीमोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, क्वेश्चन है वायु की दिशा मापने का यंत्र कौन सा है, एनीमोमीटर, विंड वेन, रेन गेज, ओप्रोक्सवी। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वायु की दिशा को मापता है वो विंड वेन मापता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वराह लक्ष्मी किसकी किस्म है, वराह लक्ष्मी किसकी किस्म है, अलसी, सनई, जूट, कपास। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वराह लक्ष्मी कपास की किस्म है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केंचुए काम में लिए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केंचुए काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन है एम्पीजिक, इंडोजोइक, एंडोजोइक, डायोजिक। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एम्पीजिक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केंचुए काम में लिए जाते हैं, तो एम्पीजिक किस्म के केंचुए काम में लिए जाते हैं। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2010 और 11 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन की कितनी संभावना है। वर्ष 2010 और 11 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन की कितनी संभावना है।
13.15 मिलीटन, 144.5 मिलीटन, 218.5 मिलीटन, 232.8 मिलीटन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 232.8 मिलीटन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।